हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रेश सागर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के कुछ न्यू फीचर के बारे में। गाइस, जैसा कि हम सबको पता है, अभी 2020 का एंड आ चुका है, अब 21 की स्टार्टिंग होने वाली है। तो 21 की स्टार्टिंग के साथ ही व्हाट्सएप तीन फीचर अपने कर रहा है अपडेट। तो वो कौन से फीचर हैं, तो चलिए उनको हम जानते हैं। सबसे पहला जो फीचर है दोस्तों, वो है टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब हमारी प्राइवेसी पॉलिसी। अभी दोस्तों इंडिया में रिसेंटली बहुत ही प्राइवेसी को लेके हंगामा चल रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों, चाइना की मोर देन 150 इंडिया ने कर दी है बैन, जिसमें बहुत ही पॉपुलर जैसे टिकटॉक एंड पबजी जैसे गेम भी आते हैं दोस्तों। तो गाइस, उसी को देखते हुए व्हाट्सएप ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है, उसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया, थोड़ा टाइट कर दिया है दोस्तों, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी जो प्राइवेसी है वो लीक नहीं होगी, ऐसा व्हाट्सएप का कहना है। और दोस्तों, जैसे कि इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी टाइट हुई है, व्हाट्सएप ने एक रूल उसमें ऐड किया है कि कोई भी पर्सन हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसे एग्री नहीं करता है, तो उसका व्हाट्सएप अकाउंट वो डिलीट कर देंगे परमानेंटली। मतलब दोस्तों, व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशंस की प्राइवेसी पॉलिसी हमने एक्सेप्ट नहीं की, तो हमारा व्हाट्सएप का अकाउंट भी डिलीट हो सकता है दोस्तों। तो गाइस, सबसे पहला फीचर ये है कि वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को थोड़ा टाइट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड फीचर की। सेकंड फीचर है दोस्तों ऑडियो एंड वीडियो कॉल। तो जैसे कि हम सबको पता है दोस्तों, व्हाट्सएप हमें ऑडियो एंड वीडियो कॉल देता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अब दोस्तों बात करते हैं ऑडियो वीडियो कॉल में वो क्या फीचर ऐड कर रहा है। तो ऑडियो वीडियो कॉल में दोस्तों बेसिकली कोई फीचर ऐड नहीं कर रहा है, लेकिन जो हमारा डेस्कटॉप वर्जन है व्हाट्सएप का, उसमें ऑडियो एंड वीडियो कॉल मिसिंग था, उसको दोस्तों व्हाट्सएप ऐड कर रहा है। मतलब दोस्तों, अभी 2021 में व्हाट्सएप ऑडियो एंड वीडियो कॉल हमारे डेस्कटॉप वर्जन के लिए भी लेके आ रहा है दोस्तों। तो गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि जहां हम स्काइप यूज करते थे, अब हो सकता है कि व्हाट्सएप हमारे जो स्काइप का यूजेस था उसे थोड़ा सा कम करवा दे दोस्तों। और गाइस, सबसे आखिरी और थर्ड फीचर है जो व्हाट्सएप अपडेट कर रहा है, वो है मल्टीपल पेस्टिंग। मतलब दोस्तों, अगर आपके पास कोई तीन मैसेज आते हैं और आप उन तीन मैसेज को अलग अलग पर्सन को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। व्हाट्सएप दोस्तों कुछ इस टाइप से फंक्शन, एक और फीचर लेके आ रहा है, जिसमें आप उन तीनों मैसेज को एक साथ कॉपी कर सकते हैं, एंड आपको वो मैसेज जिसको भेजना है उसी के पास वो मैसेज पेस्ट होगा दोस्तों। मतलब सपोज दोस्तों, अगर फर्स्ट नंबर का मैसेज मेरे को किसी ए पर्सन को भेजना है, तो मैं वहां पे पेस्ट करूंगा, तो वो सिर्फ एक ही मैसेज पेस्ट होगा ए पर्सन को, जो है मैसेज नंबर वन दोस्तों। एंड सपोज दोस्तों, जो सेकंड नंबर का मैसेज है वो मुझे बी पर्सन को भेजना है, मैंने तीनों मैसेज एक साथ कॉपी कर लिए दोस्तों, मैसेज नंबर 1, 2 एंड 3। एंड सपोज दोस्तों, मुझे वो तीन डिफरेंट पर्सन को भेजना है, ए बी सी, तो मैंने जो तीनों मैसेज कॉपी किए हैं, मैं चाहूं तो फर्स्ट मैसेज ए को भेज सकता हूं, चाहूं तो फर्स्ट मैसेज बी को भेज सकता हूं, सेकंड मैसेज में ए बी सी किसी को भी भेज सकता हूं जिसे मैं भेजना चाहता हूं दोस्तों। तो गाइस, ये जो मल्टीपल पेस्ट जो फीचर आने वाला है व्हाट्सएप का, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब ये कुछ एक क्लिप बोर्ड की तरह वर्क करने वाला है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे जो स्मार्टफोन आते हैं, जो कॉस्टली स्मार्टफोन आते हैं, उसमें क्लिप बोर्ड का सिस्टम पहले से इनबिल्ड होता है दोस्तों, लेकिन जो मिडिल रेंज के स्मार्टफोन होते हैं, उसमें किसी एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू हम उसे इनेबल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, व्हाट्सएप अपने फीचर में, अपने एप्लीकेशन में इनबिल्ड क्लिप बोर्ड का एक सिस्टम दे रहा है, जिसमें हम मल्टीपल पेस्ट आइटम कर सकते हैं दोस्तों। तो गाइस, ये थे व्हाट्सएप के कुछ तीन अपडेट जो 21 में आने वाले हैं, जो ऑफिशियली व्हाट्सएप ने अनाउंस कर दिए हैं। तो गाइस, अभी इसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं आई है कि ये कब से आएगा, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन था, जो प्राइवेसी पॉलिसी था, वो हमारे जो एप्पल के iOS वर्जन है उसके लिए बीटा वर्जन रेडी हो चुके हैं, जो बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वेट करते हैं इन तीनों फीचर का ऑफिशियली कब तक ये मार्केट में आते हैं।